आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू बेसन की, जो 250 ग्राम बेसन, 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम घी और ये ड्राई फ्रूट बादाम और काजू और 4 इलायची पीसी हुई, इसको मैं कूट कर पीस लूंगी। इसे थोड़ा सा भूनकर मैं अभी गैस चालू करती हूँ और इसे मैं भूनूंगी। इसमें घी डाला मैंने और अब ड्राई फ्रूट डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। देखिए ये भून कर मैंने निकाल दिया थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को, अब घी मैं इसमें डालकर बेसन को भून लूंगी। 250 ग्राम बेसन है, 200 ग्राम घी, 200 ग्राम चीनी, अब इसको गर्म होने दीजिए, थोड़ा गर्म हो जाएगा तब इसमें बेसन डालें। ये देखिए बेसन मैं अब डाल रही हूँ, इसे धीरे मीडियम ताप पर इसको अच्छे से भूनना है। ये देखिए भून के एकदम तैयार हो गया है, इसको 5 मिनट ठंडा होने देंगे तब इसमें चीनी पीसी हुई जो रखे हैं उसे मैं डाल दूंगी और ड्राई फ्रूट बाद में डाल दूंगी, बस तैयार हो जाएगा। देखिए ये बेसन ठंडा हो गया है, हमने लगा के देख लिया, अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। मिक्स करके ये लड्डू तैयार हो जाएगा। ये चीनी मैंने पीस लिया था पहले मिक्सी में। देखिए लड्डू मेरा तैयार हो गया है, ऐसे करके गोल गोल जितना साइज का आपको बनाने का है ऐसे बनाइए और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होता है, बहुत आसानी के साथ बनता है। अगर मेरा लड्डू आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए मेरा लड्डू तैयार हो गया, अगर हमारा लड्डू आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और ये बहुत स्वादिष्ट होता है।